वेलकम टू आवर चैनल्स। अभी हम यहाँ पर खड़े हैं बिदर सीएमसी ऑफिस। जैसे कि सभी जानते हैं, सीएमसी कमिश्नर का बिल्कुल ही लापरवाही का रवैया चलता है बिदर में कुछ दिनों से। पिछले काफ़ी महीनों से यहाँ पर लोगों की परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं शहर बिदर में, और कमिश्नर साहब की यहाँ पर विजिट नहीं हो रही है कमिश्नर ऑफिस में। तो इस सिलसिले को लेकर हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ पर अभी नईमुद्दीन किरमानी साहब। आइए जानते हैं तफसीलात। आदाब से सभी को नमस्ते। मेरा नाम नईम किरमानी, मैं डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी सेक्रेटरी की हैसियत से कांग्रेस पक्ष में काम करता हूं, और कुछ आवाम के मुतालबात के ताल्लुक से जो सो लोग मेरे तक अप्रोच हुए थे। मैं 15 दिन से बिदर नगर पालिका यानी कि म्यूनसिपलिटी ऑफिस को आ रहा हूं और जा रहा हूं। कमिश्नर साहब की अदम तवज्जो है, मैं यहाँ पर म्यूनसिपल कमिश्नर किसी जनरल पब्लिक को मिलने के लिए तैयार हूँ। आवाम का गमो गुस्सा दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। साबिका जो म्यूनसिपल कमिश्नर थे बसप्पा साहब, उनका भी यही रवैया था, जिससे आवाम बहुत नाराज़ हो गई थी शहर की, और इसका सीधे सीधे हमारे काबिल तरीन बीदर के एमएलए साहब को ब्लेम कर रहे हैं। इसमें एमएलए साहब का कोई कसूर नहीं है। हम एमएलए साहब के पास बारहा इस कमिश्नर की शिकायत किए हैं, और एमएलए साहब मुझे और मेरे तमाम रफीफ़ कारवां को तयफ़ुन दिए हैं कि उसको फ़ोन करेंगे या तवज्जो दिलाएंगे, डीसी को बोलेंगे, बोलकर बोले हैं। हम अपोजिशन में हैं, हमारा पक्ष में हमारी जिम्मेदारी है ये ऑफिसर्स को जो है सो जल्द से जल्द सीधा करना, और उन्हें फुल टाइम नहीं दे सके कम से कम विजिटिंग आवर्स अपना एक नेम प्लेट के बाजू विजिटिंग आवर्स लिख के लगाएं। जो जनरल पब्लिक है, गोशा नशीन बुरखा नशीन औरतें आते हैं, हैंडीकैप लोग आते हैं, उनको रिस्पांस देना, उनके काम को तवज्जो देना, उनको आश्वासन देना, यहाँ पे कोई जिम्मेदार शख्स नहीं है। हमारे कार्यकाल में हम जब रूलिंग में थे, हमारी गवर्नमेंट थी, ऐसा कभी कोई ऑफिसर को हम नहीं देखे। खाली एक हमारे फ़ोन के ऊपर ऑफिस पूरा अलर्ट होता था। ये बीजेपी सत्ता में आने के बाद पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ठप होकर रह गया है। रुकने असेंबली बीजर एमएलए साहब सही ढंग से काम कर रहे हैं, उनके काम करने के अंदाज को कुछ लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, और बिलखसूस मैं बीजर के म्यूनसिपल कमिश्नर की सख्त मुखालिफत करता हूँ। जिम्मेदार डिप्टी कमिश्नर साहब से भी मैं मेमोरेंडम दे चुका हूं, और कल फिर मिलता हूं कि उन्होंने ऑफिस में अपना टाइम दें और अपने सभामेंट को सभी को पब्लिक के वर्क के लिए जो लीगल तरीके से जो लीगल है 45 डेज मोटेशन करके दो, डिजिटल 2 वीक करके दो। डेथ परमिशन है, बर्थ परमिशन है, नाली सफाई है, रोड है, ड्रेनेज है, इलेक्ट्रिसिटी है, पानी है, तुम कुछ नहीं दे रहे। और बल्दिया का इलेक्शन अब सामने है, ठहरने वाले कई कैंडिडेट हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता उन्हें गालियाँ दे रही है, वो कैसा इलेक्ट होंगे। ये एडमिनिस्ट्रेशन म्यूनसिपलिटी बिल्कुल टोटली फ्लैप हो चुका है। तमाम आला ऑफिसरों की जिम्मेदारी है यहाँ पे विजिट दे डिप्टी कमिश्नर साहब और इस हालात को सुधारें। सर, इस मामले में पहले भी मेमोरेंडम दे जा चुके हैं डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में भी, और सर इस मामले को चैनल के द्वारा पहले भी दिखाया गया है, कल के फिर भी इसका कोई हल नहीं निकला, तो क्या कहना चाहेंगे। हमारा बीदर का इंचार्ज मंत्री निकम्मा और नाकम्मा है, जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो रहा है। हम भी सत्ता में थे, ईश्वर खंडे साहब जिस टाइम डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मंत्री थे, एक कार्यकर्ता के फ़ोन के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट होता था अवाम के लिए, अवाम की फलाह बहबूद के लिए। यह मिनिस्टर कब आता है कब जाता है किसी को पता नहीं चल रहा। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मंत्री टोटली फ्लैप है। मैं यशपाल बोरे, भीम आर्मी कर्नाटक का स्टेट प्रेसिडेंट और लोकल बिदर में रहता हूँ। जो आम जनता का यहाँ पे जो तकलीफ देख के हमको बहुत दुख हो रहा है, जो ऑफिसर लोग हमारे पब्लिक का काम नहीं किए, तो मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूँ। यहाँ पे इस सीएमसी को मैं बंद करके लाख डालता हूँ बोल के मैं आपको चेतावनी देता हूँ। जो अभी बताए ना, उनका पूरा जो तकलीफें है वो सवाल करना। जो कमिश्नर यहाँ पे बैठता नहीं और कुछ थम वो नहीं देता बोल के, मेरे को इससे पहले भी कंप्लेंट आया था, और मैं कमिश्नर साहब को बात किया था कि वो थम क्यों नहीं हो रहा, बोले तो नहीं बेंगलुरु से ऊपर से नहीं दे रहा है बोल के बताए उन्हों। अगर ये ऐसा ही रह गया तो हम आने वाले दिन में बिदर में उग्र होराटा करते बोल के उनको चेतावनी देता हूँ। क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। क्या वजह से बंद करना चाहते हैं? क्योंकि क्योंकि ऐसे कुछ कॉलोनी है वहाँ पे नाली भर गया है और कहाँ पे पानी नहीं है। अभी मैं आनंद नगर में रहता हूँ, कम से कम 10 बार इनको मैं लेटर दे चुका हूँ, पानी पीने के लिए नहीं है। जो बोर खराब हो गया है उस बोर के लिए रिपेयरिंग के लिए इन्हों आते नहीं, और रोड बना के माथी भर के नाली में है वो यूडो को हम डीसी साहब को बताए सो है। परसों डीसी साहब भी आनंद नगर को आए थे। ऐसे कई कॉलोनी है कि वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रहा।